from Kerala to Tamil Nadu to Bengal and to Assam. That's the only thing which came about. It's clearly an attempt to, you know, to curry favor with the states which are going to polls. But these are all only announcements, and the proof of the pudding is only in the eating, and we'll have to really see whether these are all implementable. But it's only aimed at, you know, grabbing eyeballs in poll-bound states without any substance. विपक्ष का लगातार ये कहना कि साहब सिर्फ एलोकेशंस हैं और सिर्फ एलोकेशंस हैं और वो भी गाड़ी काम नहीं होगा। कार्तिक चिदंबरम साहब ने कहा कि एक मिनट एक रोकते हैं आपको। पैंडेमिक के बाद जिस तरीके से कोरोना से ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रखी है, उसके बावजूद इतना संतुलित बजट देना जहाँ पे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सीनियर सिटीजन तक को जिस तरीके से इसमें रिलैक्सेशन दी गई हैं, किसानों का जहाँ पे एक तरफ ज्वलंत मुद्दा उठ रहा है उसमें जिस तरीके से पिछले 7 सालों में सरकार के रहते हुए किसानों के इन्होंने स्टैट्स जिस तरीके से सामने दिए जिसमें बताया कि कैसे उनकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है इस पैंडमिक के दौरान इससे बेहतर और इससे संतुलित बजट और नहीं हो सकता। तो विपक्ष का कहना कि साहब गाड़ी जो है वो तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और आसाम और बंगाल घूम रही थी बजट की, और सत्ताधारी पार्टी के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया हो नहीं सकता था। सुनिए बंगाल से सांसद। बंगाल को भी दिया गया, हमारी सरकार किसी एक राज्य और किसी एक इलाके की सरकार नहीं है, ये पूरे देश की सरकार है और उसने अपने जो धर्म है वो किया। आपकी नज़र में बजट कैसा है? बहुत ही अच्छा है, सबको लेके चला गया है, सबके साथ काम किया गया। तो सत्ताधारी दलों के जो नेता हैं, एनडीए के जो नेता हैं, चिराग पासवान अभी भी अपने आप को एनडीए का कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है। हालांकि वो तो जब बिहार का बजट आएगा तब देखना होगा कि वो उसको कितना अच्छा बताते हैं। बहरहाल मैं वो बता रहा था आपको। जी जी हाँ, कि फेसलेस का मतलब क्या है ये बहुत जानना जरूरी है। असेसमेंट फेसलेस हो रही है, इसका मतलब ये कि किसी भी करदाता को आयकर अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है और सब कुछ डिजिटली उसका तय कर दिया जाएगा उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, सीएटी अपील तक भी ठीक है, पहली अपील तक। लेकिन जब कोई करदाता परेशान होता है तो फरियाद के लिए कहां जाता है? तो पहला दरवाजा वो हाईकोर्ट का नहीं खटका पाता, पहला दरवाजा वो खटकाता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का, आयकर अपीलीय अधिकरण, क्योंकि वहां उसकी फरियाद सुनी जाती है, वहां जजेस की तरह ट्रिब्यूनल मेंबर बैठे हैं, वो उनकी बात सुनते हैं, वो अपनी बात रख पाता है, अपनी शिकायत रख पाता है। लेकिन अगर हम इसको भी फेसलेस कर देंगे तो वो अपनी बात कैसे पहुंचा पाएगा, अपनी शिकायत किसको दर्ज करेगा? वो फेसलेस नहीं किया जाना चाहिए, वो कैसे कोर्ट की प्रणाली को कैसे फेसलेस कर दोगे आप? वो कैसे अपनी बात रखेगा, अपना दर्द किसको बताएगा, अपनी शिकायत किसको बताएगा? रजत जी इस पे कुछ कहेंगे आप? देखिए उसको फेसलेस पूरी तरह से नहीं किया गया है, उसमें प्रावधान रखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से, अगर जैसे अभी सारे कोर्ट के जितने भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वीडियो कॉल्स पे हो रही हैं, वीडियो कॉल का प्रावधान रखा गया है। और ये भी कोशिश की गई है कि जितना इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस कम हो सके, क्योंकि फिजिकल इंटरफेस होता है तो करप्शन की संभावनाएं बढ़ती हैं और उससे जितने भी टैक्स करता टैक्स दाता है सब परेशान होते हैं। तो जितना ज्यादा फेसलेस होगा उतना ही ज्यादा बोला था, वो फेसलेस बोला था मैडम ने, इसलिए अगर वो प्रोविजंस में अगर उसको फेसलेस ना करके ऑनलाइन किया गया है वहां तक हम स्वागत करेंगे, तो अगर लेकिन फेसलेस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वो जरा फाइन प्रिंट पढ़ के ही इसका निर्धारण ठीक से हो सकता है कि क्या करने वाले हैं। रजत आप कह रहे हैं ट्रिब्यूनल पे फेसलेस नहीं है? नहीं नहीं, देखिए उन्होंने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो कॉन्फ्रेंस को यूज करते हुए इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने ये पूरी तरह से नहीं बोला कि पूरा फेसलेस हो जाएगा जी, वीडियो कॉल जरूर रहेंगे। चलिए ये एक बिंदु जिसपे और क्लैरिटी की शायद जरूरत है। रजत कह रहे हैं कि नहीं वो पूरा फेसलेस की बात नहीं है। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स क्या कह रहे हैं सुनते हैं संजय अग्रवाल जी। बिजनेस एंड टू गिव फर्दर लोन्स, वी आर लुकिंग एट various schemes in which faceless assessments have been now extended for the income tax assessees. So all those things are I think on a positive direction. Of course we would have expected much more. We expected the national infrastructure pipeline expenditure in this year to be above 20 lakh crores. We don't see that coming immediately from the budget numbers. So जैसा जो दिशा है उससे तो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स भी सहमत दिख रहे हैं। किसानों से हमने बात की थी, मनोज वहां मौजूद है मध्य प्रदेश में। मनोज
ये सब सुनने के बाद अब किसान क्या कह रहे हैं? एक बार और किसानों से बात करता हूँ। एक सबसे अहम बात इसमें यह है कि 16.5 लाख करोड़ का जो कह रहे हैं कि आपकी फसल के लिए, किसानी के लिए जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो सरकार ने रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। सरकार से यही अपेक्षाएं थी, बिल्कुल अपेक्षाकृत जो है बजट पेश किया गया है। किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड के लिए जो बजट बढ़ाया गया है, ये बहुत संतुष्टिजनक है और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं इससे। जैसे एक एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बुनियादी सेवाएं भी तो एक ज़रूरी चीज़ है, भारत की खेती को भी तो 21वीं सदी में पहुंचना है। इसमें ये कृषि यंत्र वगैरह जो है, इसमें जो छूट मिल रही है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और MSP जारी रखने का तो बोल ही दिया उन्होंने। हाँ, उसमें 75,000 करोड़ रुपये की बात कही गई है। आज पहली बार किसी गवर्नमेंट ने किसानों के हित में सोचा और इतना बड़ा बजट दिया है। इस बजट में और अभी आप देखते जाइए भाई साहब, अभी तो और अच्छा होने वाला है कि उसमें जब डिवाइड होगा, किसानों के पूरे हित में बजट है और हम लोगों को बहुत संतुष्ट भी है और सारे लोगों में खुशहाली है। भोपाल के पास ये रातिकबड़ गांव है किशोर, यहाँ पर किसान ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो बजट फिलहाल जो मिला है, उस बजट में खास तौर पर जो एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है जिसको बढ़ाया गया है, उसको लेकर किसानों में खासा उनको लगता है कि ये उनके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बारे में तो उनका रुख पहले से ही अलग है, 1.5% की बात कहते हैं, लेकिन वो आज के इन्फ्लेशन और पहले के प्राइसेस उसको कंपेयर करके आप बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बढ़ा दिया, अगर कल की कीमत, अगर किसी चीज़ की कीमत कल 10 रुपये होती है तो आज के ज़माने में 4 साल के बाद वो 20 रुपये की होती है। तो ऐसी चीज़ें बोलकर वो लोगों को घुमा रहे हैं। इस पे प्रोविजन मैंने पढ़ा है। जी 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 अश्विनी, तो वो अभी जो रजत जी कह रहे थे, मैं अब एग्जैक्ट प्रोविजन पढ़ता हूँ। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक ए स्कीम बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल अपील बाय द एप्टेड ट्राइब्यूनल सो एज टू इम्पार्ट ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन द एप्लेट ट्राइब्यूनल एंड पार्टीज टू द अपील इन द कोर्स ऑफ एप्लेट प्रोसीडिंग्स टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। नाउ रिड्यूसिंग इंटरफेस डज नॉट मीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि आपको इंटरेक्ट ही नहीं करना है। तो ये तो यहाँ तो जब तक करदाता पहुँचता है तब तक उसकी शिकायत इतनी बढ़ चुकी होती है कि कोई उसे सुनने वाला चाहिए, वो तो वहाँ रिजल्ट इंटरफेस से आता है। अब उसमें आप और 4 तरह के कुछ ऐसे एंगल्स एग्जामिन कर सकते हैं कि करप्शन घटे, जो ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। पर अगर आप इंटरफेस घटाएंगे तो अपनी बात कैसे रख पाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स के जो कानून है इतना कॉम्प्लेक्स है, इसके प्रोविजन्स इतने हार्श हैं कई बार, कि अगर उसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो अतिरिक्त कर का बोझ पड़ता है, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन होती है। तो कोई तो एक न्यायिक प्रणाली चाहिए जो दुरुस्त हो, जो उसकी बात सुन सके और समझ सके। रोक रहा हूं मैं आपको, नितिन गडकरी साहब को सुनते हैं। जी, इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी। और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोसीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग, और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है, इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है जो 20 साल से पुराने हैं, ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 15 ईयर्स
एंड 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर दैन 20 ईयर्स। बाद में 17 लाख मीडियम एंड हीवी कमर्शियल व्हीकल 17 लाख ओल्डर दैन 15 ईयर्स विदाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये 17 लाख और ये संख्या जो है ये मैं जो देख रहा हूँ ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है, ये पोल्यूशन कर रहे थे क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 times मोर दैन फिट व्हीकल, यानी 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। तो पहली बात तो ऐसी है कि रिड्यूस पोल्यूशन, रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स ऑन रोड, ये पहला एडवांटेज में पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एडवांटेज 25 से 30% रिडक्शन इन व्हीकुलर एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें इसकी कमी होगी। तीसरी बात इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, न्यूअर व्हीकल मीट रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड मटेरियल एंड व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो स्क्रैपिंग होगा तो स्टील रबर एल्यूमिनियम कॉपर जो वेस्ट निकलेगा, अभी हम लोग कॉपर इम्पोर्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने हमारे पोर्ट का, मैं जब मंत्री था तो ये इसी के लिए 18 मीटर ड्राफ्ट बढ़ा है। तो दुनिया का भंगार 2 लाख टन के शिप में अपने यहाँ आएगा, वो बहुत सस्ता आएगा, थ्रोइंग प्राइस पे आएगा, और फिर उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मेटल को एल्यूमिनियम कॉपर प्लास्टिक रबर, और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट्स 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे और इसलिए ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ेगी। इसमें मटेरियल, इसके कारण फ्यूल इफिशेंसी बढ़ेगी। मैं जब कॉलेज में था तो स्कूटर मैंने खरीदी की थी, तब 32 किलोमीटर इन्हें सच्चा अच्छा एवरेज समझ रहा था मैं। बजाज की स्कूटर मैंने ली थी और कहता था कि मेरी स्कूटर का एवरेज 32 है। अभी जो बाइक आप यूज़ कर रहे हैं वो 80 किलोमीटर तक गई है। तो इसका मतलब ये जो पुराने सब जाएंगे और नए आएंगे तो इसमें जो इम्पोर्ट है 8 लाख करोड़ का वो भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल इफिशियंसी उड़ गई, और लाइट वेट व्हीकल है, इसमें टेक्नोलॉजी बदली हुई है, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड फॉरेन का जो अपना फॉरेन डॉलर में जो फॉरेन का अपना ये डॉलर है वो इसमें बचेगा। न्यूअर हैवी कमर्शियल व्हीकल आर 3 to 6% मोर फ्यूल इफिशेंट, ये ट्रक वगैरह में काफ़ी इसमें तो फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बताते हुए कि किस तरीके से जो स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात है, जो पुरानी गाड़ियों को कबाड़ करने की बात है, उससे किस तरीके से मोमेंटम बनेगा ऑटो इंडस्ट्री में और अलाइड इंडस्ट्रीज में भी, और वो जो गाड़ियां जो हैं वो स्क्रैप कर दी जाएंगी तो उनके बदले में जो गाड़ियां आएंगी उनसे कितने फ़ायदे होंगे, उद्योग को फ़ायदे होंगे, पर्यावरण को फ़ायदे होंगे, इंपोर्ट कम होने के फायदे होंगे, बहुत सारे फायदे वो गिनाते हुए। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं, अमित पांडे उनके साथ हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई हैं हमारे साथ, जो कि पार्टी से सांसद भी हैं और लगातार पार्टी की बात सामने रखते आए हैं। सर, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? बहुत ही निराशाजनक, देश को नीलाम कर दिया है भाजपा सरकार, देश को बैंक्रप्सी में लेके आई है भाजपा सरकार, कोई विकल्प नहीं, बस एसेट मोनेटाइजेशन की बात करते हैं। रेल, हवाई अड्डे, पोर्ट, किस प्रकार से एक विशेष कंपनी को लाभ मिले उसी के लिए ये बजट लाई गई है। जिस प्रकार से देश के एयरपोर्ट आज एक ही कंपनी को बेचे जा रहे हैं, आने वाले समय में भी जो विभिन्न संस्थान की घोषणा की गई है वो भी एक व्यक्ति विशेष कंपनी को मिलने वाली है, तो बहुत ही निराशाजनक है। जो भारत के जो 80% लोग जो आज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम से जूझ रहे हैं, जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, जो अपने बच्चों के शिक्षा और उनके भविष्य से परेशान हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। उनको भारत सरकार बस यही कहती है कि आप आत्मनिर्भर हो, आप अकेले रहो, ये बजट सिर्फ 10 से 15 बड़े बड़े उद्योगपति के लिए ही है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। यह तो विपक्ष के भी जो रिएक्शन हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे रह रहे हैं, और कई बार तो ये दुख होता है कि मुद्दों पर क्यों नहीं
दो पक्ष सामने नहीं आते हैं, दो मुद्दों पर नहीं आते हैं, वो सिर्फ ये कि सरकार ने ये किया तो गलत किया, और सरकार के पक्ष से आप सुनेंगे तो कि कितना सब कुछ अच्छा हो रहा है और पहले कितना गलत हो रहा था, ये बार बार वही बात हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इधर विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं संसद भवन के बाहर। जी हाँ विक्रांत, देखिए बिल्कुल किशोर, संसद भवन में भी आज कांग्रेस की तरफ से हालांकि विरोध जाहिर किया गया, किसानों के कानून के मामले का उठाया गया। गुरजीत सिंह ओजला इस समय हमारे साथ हैं। गुरजीत जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। भाई जिसने खेती करनी है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, किसान मजदूर जो गाँव का लोग है वही मजदूरी करने बाहर जाता है ना, वो तो रोड के ऊपर बैठा हुआ है, 120 के करीब उनकी जाने जा चुकी है, किसके लिए बनाना है ये बजट? तो होता है कि जो लोग हैं खुश हैं उनका जो अब 6 महीने से तो वो बाहर बैठा हुआ है, उसके लिए तो ये बजट जो है ये पूंजीपतियों की बनाई हुई स्क्रिप्ट है, इसमें और कुछ नहीं। लेकिन सरकार ने MSP पे भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ज्यादा पैसा डाला जाएगा तो उसका फायदा भी किसानों को ही मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनेगा, सड़क बनेगी, सरकार का ये कहना है कि उसका सीधा फायदा किसानों को और उन जमीनों के आसपास के लोगों को। बिल्कुल मैं आपकी बात कहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, लोग देख रहे हैं, देखो किसान की जमीन, किसान के खेती करने के बीज वो लेता है, ट्रैक्टर कर्जे पे वो लेता है, मेहनत तो वो करता है, मूल कौन तय करती है? सरकार। तो मेरे को ये बता दिए कनक और गेहूं पे जो 3 लाख करोड़ का करीब खरीदते हैं, उससे उसके अलावा किस पे कभी कोई मूल्य मिला है? किसी को मूल्य नहीं मिलता। सर किसान का क्या कहना है? बोला जमीन मेरी, पैसे मेरे, अब कम से कम ये तो कर दो कि ये जो बजट ये जो अपना तय मूल्य आपने किया वो तो मेरे को दिला दो। किसान रो क्यों रहा है? सरकार अपने द्वारा किया हुआ तय मूल्य उसको दिला दे, तो मेरा ख्याल है उसके अलावा किसान को कुछ नहीं चाहिए। जो 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 सरकार कह रही है कि हमने सबके विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, ये तो हम 14 से सुनते आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो GDP ऊपर ना जाती, अब तक ये सिर्फ कहने वाले बजट है और कुछ नहीं है इसमें। तो गुरजीत सिंह ओजला साहब कह रहे हैं कि कहने वाला बजट है, और अभी हमने जगदम्बिका पाल साहब से बात की थी तो उनका ये सीधा कहना था किशोर कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब भी जोर दिया जाता है, एक बार पाल साहब से एक और प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पाल साहब, गुरजीत सिंह ओजला साहब जो है काला कपड़ा पहन करके गए और वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए इस पूरे बजट में कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए बजट या तो उन्होंने सुना नहीं या तो रहे नहीं। आखिर किसान को क्या था कि MSP पे खरीद हो? आज हमने MSP की खरीद की गारंटी नहीं दिया। आज हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि किसान की जो भी खरीद होगी, जो उसकी उपज की कीमत होगी, उसका 1.5 गुना हम किसान को देंगे। मतलब डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो इनकी सरकार में पेंडिंग था उसको लागू किया मोदी जी ने, और अब जो किसान के आगे दुगने की बात हो रही है वो उससे दुगना होगा। और इसी का नतीजा है कि 2014 में जो गेहूं की खरीद 33,870 करोड़ की कांग्रेस ने किया था, आज हम उसी MSP पे 75,000 करोड़ की। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से किसानों का मुद्दा उठा, वो देश को संसार कुर्ता पहन करके संसद के भीतर गए थे अपना विरोध। संसद का अपमान नहीं है ये, तो उसी तरीके से जैसे 26 जनवरी को जिस लाल किले से 15 अगस्त को देश की आज़ादी के बाद पूरे विश्व को संदेश दिया जाता है कि भारत आज़ाद, और उस आज़ादी का हेरिटेज वो लाल किला है, उस तिरंगे का अपमान किया लोगों ने, उसकी निंदा तक नहीं कर रहे हैं। आज काला कपड़ा पहन करके ये कांग्रेस के लोग या और दलों के लोग विरोध कर रहे हैं, ये संसार कर रहे हैं। जब हम MSP जारी रखेंगे, जब हम मंडी समितियों को द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में केवल क्रॉप को एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम लैंड का एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें तो निश्चित तौर से इसका स्वागत करना चाहिए। तो किशोर सीधे तौर पर, क्योंकि देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रिया यहाँ पर मिल गई, विपक्ष अपना विरोध दर्ज करवा रहा है काले कपड़े पहन करके, और सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सीधे सीधे अपमान किया जा रहा है संसद का। जी हम संसद से तस्वीरें भी दिख रही हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं, सांसदों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। ये दिल्ली में है, मध्य प्रदेश का। हाईलाइट क्या मानते हैं आप, कौन सी बजट में आपके मंत्रालय को भी काफी पैसा मिला है, लेकिन हाईलाइट क्या है? देखिए आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी का है और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बजट एक माइलस्टोन बजट होगा। और जिस तरह से इस बजट के बाद में सभी सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आएगी, निश्चित रूप से जो हमारा अल्टीमेट गोल विजन जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है उसको प्राप्त करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिंग, क्योंकि पैंडेमिक के बाद में
जीडीपी को बढ़ाने के लिए आवश्यक थी और उसके लिए जितने भी कदम उठाए जाने से चाहिए वो सारे कदम इस बजट के द्वारा लिए गए। गजेंद्र सिंह शेखावत को हमने सुना। सीधा चलते हैं कोलकाता, जहां की लगातार बात हो रही है, बंगाल की लगातार बात हो रही है। आशिका, आप जो पीछे लोग खड़े हैं उनसे आपने बात की, और लोग हैं वहां पर, उनकी कुछ प्रतिक्रिया इनके अलावा? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ और जो लोग हैं उनसे भी बात करने की। बहरहाल आज जो पश्चिम बंगाल को जो भी मिला है उससे खुशी है। आप से बात नहीं हुई थी इसके पहले, आप ये बताइए कि जो भी मिला है पश्चिम बंगाल को संतुष्ट हैं और मिलना चाहिए था, या इसलिए मिला है कि चुनाव है? देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ वित्त मंत्रालय का कि जिन्होंने इस पश्चिम बंगाल को 675 किलोमीटर की जो सड़क का योजना दी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और उनके पूरे समस्त वित्त मंत्रालय की टीम को जी धन्यवाद। और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किशोर, आपने बजट देखा होगा, क्या पश्चिम बंगाल को जो मिला, हालांकि यहाँ पर सभी जो लोग हैं बात करना नहीं चाह रहे हैं, पर जो युवा पीढ़ी है एक बार उनके पास फिर लौटेंगे और यही सवाल मेरा रहेगा कि चुनाव के चलते मिला है क्या बंगाल को इतना कुछ? नहीं नहीं, चुनाव के चलते नहीं मिला है। जो भी भारत में पिछड़ा राज्य है, जो पीछे रहा, जिस राज्य का विकास नहीं हुआ है जी, उस राज्यों को ज्यादा मिला हुआ। रजत श्री के पास फिर चलते हैं। रजत जी, कोई ऐसा बिंदु जो हम छोड़ रहे हो या कोई डायरेक्शन जो समझ में ना आ रही हो पब्लिक को? देखिए, एक छोटी चीज जो शायद छूट रही है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो वित्त मंत्री ने आज एक नया इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम था डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए कॉर्पस तैयार किया है 20,000 करोड़ का। उस 20,000 करोड़ के कॉर्पस फंड से करीब 5,00,000 करोड़ का इमीडिएट फाइनेंसिंग का बंदोबस्त होगा। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं देश के, उसके लिए जो एस्टिमेटेड अमाउंट था 100,00,000 करोड़ का, ये पैसा आएगा कहाँ से? अभी कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी ये चीज़ पूछ रहे थे, उसी को का उत्तर मैं देना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के उद्देश्य से आज वित्त मंत्री ने एक नया इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव लिया है कि कैसे जाकर भारत इस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को फंडिंग कर पाएगा। 5,00,000 करोड़ का प्रोविजन इमीडिएट है। NIIF जो है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, वो भी विदेश में जाकर अलग अलग बड़े बड़े पेंशन फंडों से बात कर रहा है और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़ है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन पे लगभग 15-20 मिनट वित्त मंत्री ने आज जोर देकर बोला। एसेट मोनेटाइजेशन सिर्फ पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के विषय पे नहीं है, बल्कि NHAI और TGCIL के विषय में ज़्यादा विस्तार से समझने की ज़रूरत है। कई सारे बड़े बड़े हाईवे जो केंद्र सरकार द्वारा फंडेड होते हैं और NHAI उनको कंट्रोल करता है, वो जब प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं और तैयार होते हैं तो उनको स्वतः ही आपको प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए, जिसमें कि वो प्राइवेट सेक्टर उस रोड की मरम्मत और मेंटेनेंस करके रखे। टोल रोड और इन सब की ओनरशिप सिर्फ सरकार के पास रहे तो सरकार अगली सड़कों में निवेश कैसे कर पाएगा, नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में कैसे निवेश कर पाएगा? सॉरी आपको रोक रहा हूं, अधीर रंजन साहब कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। दूसरी बात, ये बजट में अगर देखा जाए सही ढंग से तो देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रोड फॉर वोट बना दिया। बहुत सारे पैसा खर्चा करने की तो बात किए हैं, लेकिन हमें क्या मिला? कोई ग्रांट नहीं मिला। हमारी ये उम्मीद था कि सरकार कैश ट्रांसफर करेगी गरीब लोगों को बचाने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं। डिज इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, मतलब नाउ सरकार की राय ये है कि कंट्री शुड बी पुट ऑन सेल, बेच दो। नहीं देखिए, ऐसा है कि हमें जो है वो डेट कर विपक्ष को हम सुनी रहे लगातार, लेकिन सेंसेक्स जो है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। 4.25% से ऊपर इस वक्त सेंसेक्स चल रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स चल रहे हैं,
2000 अंक का बड़ा अंतर अभी देखने को मिल रहा है। तो ज़बरदस्त उछाल सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है, वो शायद इस वजह से कि एक तो बड़ी वजह जो बताया अश्विनी जी ने भी कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो नो नेगेटिव न्यूज़ इज़ ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज़। अगर इस तरह का साल हो जो दिक्कत वाला साल हो, जो चुनौतियों भरा साल हो, उसमें अगर नेगेटिव कोई ख़बर नहीं है तो वही पॉजिटिव है। ये एक सेंसेक्स के लिए हो सकता है, और विदेशी निवेशकों की जहाँ तक आपने बात की वो एक वजह हो सकती है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक मुझे लगता है कि एक वी शेप रिकवरी की जो हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमी उसके लिए अब तैयार है, तो मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि उसके लिए रिक्विजिट प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है सरकार ने जी, कि अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाहे तो वी शेप रिकवरी की तरफ मूव कर सकता है। ये एक तस्वीरें दिख रही है निर्मला सीतारमण जी की संसद से बाहर आते हुए, वी शेप रिकवरी की जो बात हो रही है, वी शेप यानी कि जिस तरह से तेजी से नीचे गए थे उतनी तेजी से ऊपर, क्योंकि अब जो 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 डैमेजेस हुई हैं, जो जो जहां जहां कमियां हुई हैं उन सबको दूर किया जाएगा, सब कुछ रिकवर होगा, बिजनेस इज कमिंग टू बैक, आज से सिनेमा हॉल्स पूरे खुल रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चलेगी, तो वापस एक रोटेशन शुरू होगी, एक सर्कल शुरू होगा, डिमांड शुरू होगा, और फिर उधर से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश शुरू हो जाएगा, तो मनी की सप्लाई आएगी, मनी की सप्लाई आएगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे लगता है वो सब कैलकुलेशन हुई हैं इमीडिएटली, और फॉरेन जो विदेशी निवेशक हैं उनको कोई डिस्करेजमेंट नहीं है। चलिए शशि थरूर साहब को सुन लेते हैं। व्हेन यू लुक एट इश्यूज लाइक पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द गवर्नमेंट हैज बिटन द बुलेट ऑन द फिस्कल डेफिसिट, देयर नंबर्स वर क्वाइट अनरियलिस्टिक बिफोर। द बिग क्वेश्चन इज, यू नो, वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टॉक, व्हेन विल वी सी एक्शन एंड रिजल्ट्स? इफ यू लुक एट प्रीवियस बजट ईयर्स एंड प्रीवियस बजट स्पीचेस, देयर हैज बीन अ कंप्लीट फेलियर टू फुलफिल व्हाट हैज बीन अनाउंस्ड। There is, for example, a very high reliance on disinvestment, but in fact the government has failed to meet its disinvestment targets every year for the last 6 years. When you look at some of the specific promises being made, for example on MSP, where have they fulfilled their previous promises on MSP? Have they actually been able to deliver anything that even exceeds the actual cost of inflation? They have not for the last 6 years. So the real question the country has to ask is, how will this government fulfill its promises, and what is the faith? The finance minister asked us all to have faith. Well, faith has to be built on a track record, and the track record unfortunately does not justify us feeling much faith. So as I said, I think this is like the garage mechanic who tells a client, I can fix your brakes, so I'll make your horn louder. I mean, that's essentially what this government has done. शशि थरूर अपने ही अंदाज में, अमीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीश, शशि थरूर कहते हुए कि गाड़ी खराब है और मैकेनिक ने कह दिया है कि साहब आपकी ब्रेक खराब है, तो कोई बात नहीं, मैं हॉर्न जरा तेज कर देता हूं, जोर से बजा दीजिएगा। ये किया है इस बजट में सरकार ने। शशि थरूर इन्हें एक बात क्लियर हो जाती है, लेकिन किशोर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाजार स्टॉक मार्केट जो है